हम क्या बात करना चाह रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टिविटी, ऑन विच द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स, और उन फैक्टर्स पर डिपेंडेंस किस तरह का है, ठीक है, किस तरह से उन फैक्टर्स पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। नाउ एज वी सेड, सबसे पहला फैक्टर तो बहुत ही ऑब्वियस है, इट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल। मटेरियल कौन सा है इस पर डिपेंड करेगा, अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। ठीक है, सेकेंडली टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर वहां डेफिनेटली डिपेंडेंस होगा, बिकॉज एज वी सेड द रिलैक्सेशन टाइम इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एनर्जी बढ़ती है, कोलिजन जल्दी जल्दी होने लगते हैं, टाउ की वैल्यू कम होने लगती है। ठीक है, नाउ हमने कंडक्टिविटी में इसलिए कहा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम होने लगेगी। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का इनवर्स है, उल्टा है, तो डेफिनेटली एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, रेजिस्टिविटी रो विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ने लगेगी। कंडक्टिविटी के केस में हमने कहा था द ओनली एक्सेप्शन बी सेमीकंडक्टर्स। सेम बात हम यहां पर भी कहेंगे, द एक्सेप्शंस बी सेमीकंडक्टर्स। Now, यहां पर एक एडिशनल पॉइंट हम बताते हैं, वी मेक एन एडिशनल पॉइंट हियर। एक्सपेरिमेंटली ये पाया जाता है, हमें ये मिलता है, दैट फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स, रो इंक्रीजेस लीनियरली फॉर शॉर्ट टेम्परेचर रेंजेस। बहुत छोटी छोटी टेम्परेचर रेंज के लिए जो है रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज करती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, इसको हम थ्योरेटिकली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इसको अकाउंट नहीं कर पाएंगे, बट वी शुड स्टिल नो दिस दैट फॉर स्मॉल टेम्परेचर रेंजेस, फॉर शॉर्ट temperature range, rho is linearly dependent on temperature. The resistivity is found to be linearly dependent on the temperature. ठीक है, अगर linear dependence है, अगर यहां पर linear dependence है, तो हम easily एक relation formulate कर सकते हैं, the relation between the temperature at any temperature. किसी भी टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी, उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन यहां से इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हैं, सिंस
द डिपेंडेंस इज लीनियर, अगर डिपेंडेंस यहां लीनियर है तो ऐसा एक एक्सप्रेशन इजीली फॉर्मुलेट किया जा सकता है, जैसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए होता है, ठीक उसी तरह का एक फॉर्मूला हम यहां पर लिख देते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, वे डेल्टा टी विल बी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, ठीक है, एट सम टेम्परेचर टी नॉट इफ द रेजिस्टिविटी इज रो नॉट, देन एट एनी टेम्परेचर टी, ठीक है, इसे हम चाहे तो ऐसे लिख लें रो टी, एट एनी टेम्परेचर टी द रेजिस्टिविटी विल बी गिवन बाय दिस रिलेशन. टी नॉट जनरली रूम टेम्परेचर ही लिया जाता है, जनरली विल टेक द टेम्परेचर टी नॉट टू बी द रूम टेम्परेचर. अल्फा जो है उसे थर्मल कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोल दिया जाता है, ठीक है, जैसे थर्मल कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, कोफिशियंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, उसी तरह से यहां पर जो है रेजिस्टिविटी, सॉरी नॉट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, अल्फा जो है वो थर्मल कोफिशिएंट हो जाएगा. अल्फा की यूनिट तो बिल्कुल ऑब्वियस है, क्लियर है, अल्फा विल बी इक्वल टू टेम्परेचर इनवर्स केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स उसकी यूनिट होगी, ठीक है. अल्फा की वैल्यू अगेन बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी वेरी लो, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी में चेंज होता है ये ग्रेजुअली स्लोली ही होता है. सो इस तरह से हम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का वेरिएशन भी देख सकते हैं, रेजिस्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है. नाउ अगेन दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कोई परफेक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लीनियर डिपेंडेंस का. फॉर सम मटेरियल्स इट इज फाउंड दैट फॉर शॉर्ट टेम्परेचर रेंज, ऐसा नहीं कि हम 200-250 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमें लीनियर रिलेशन मिले, फॉर शॉर्ट टेम्परेचर रेंज 50-60-70 डिग्री उसमें हमें ऑलमोस्ट लीनियर वेरिएशन देखने को मिलता है. देन एट दिस पॉइंट हम एक और एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं, हम एक और एस्पेक्ट यहां पर डिस्कस करते हैं जिसको हमें अगेन बहुत डिटेल में नहीं समझना होता है, बट वी शुड नो व्हाट इट इज, हमें उसका एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए. वी टॉक अबाउट सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिविटी. वी टॉक अबाउट सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिविटी. ये सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी क्या फिनोमेना होता है. ठीक है, नाउ ये जो वर्ड है इसी को अगर हम एनालाइज करें तो हमें समझ में आने लग जाएगा कि ये जो है ये क्या होना चाहिए, जो मटेरियल है ये क्या होना चाहिए. जैसे हम बोलते हैं देयर इज सुपर हीरो, सुपरमैन है, सुपर हीरो है, तो उनमें क्या प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, सुपरमैन में क्या प्रॉपर्टी, ही इज अ मैन बट ही हैज सुपर पावर. सुपर हीरोज में क्या प्रॉपर्टी होती है, वो है तो उस कॉमिक का हीरो, बट इट हैज, ही हैज सम सुपर पावर्स, उसमें कुछ सुपर पावर्स होंगे.
सिमिलरली ये मटेरियल भी होगा तो कंडक्टर ही, बट इट विल हैव सम सुपर पावर्स ऑफ कंडक्टिविटी, उसके पास कंडक्शन की कुछ सुपर पावर्स होंगी. नाउ कंडक्शन में क्या सुपर पावर हो सकती है? कंडक्शन में जो सुपर पावर होगी इट विल बी दैट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बी मिनिमम, बी मिनिमल, नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट जीरो. वो जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाए करंट के फ्लो को, कंडक्शन को जो ऑपोजिशन दिया जा रहा था, ठीक है, जो उसको रेजिस्टेंस दिया जा रहा था वो मिनिमल हो, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाए. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सुपर कंडक्टर्स डू. सुपर कंडक्टर्स का काम यही होता है, ठीक है. वी से दैट व्हेन सर्टेन मटेरियल्स आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, when certain materials are cooled below a particular temperature, their resistivity drops to almost zero. Unki resistivity jo hai wo almost zero ho jati hai. This phenomena is known as superconductivity and such materials are called superconductors. Some materials when cooled below a certain temperature offer almost zero resistivity. This phenomena is called superconductivity. Such materials are called superconductors. ठीक है? This phenomena is called superconductivity and such materials are called superconductors. The temperature below which, this phenomena starts is called critical temperature of the material. The temperature below which this phenomena begins is called the critical temperature of the material. ठीक है, इस phenomena को अगर हम graphically show करें, temperature in Kelvin and its relationship with the temperature relationship of resistivity. तो जो हमें graph मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है. Where this temperature, just temperature पर ये sudden variation हुआ है. It is called the critical temperature. ये temperature जिस पर suddenly resistivity suddenly zero हो जाती है, almost zero हो जाती है. It drops down suddenly. That temperature is called the critical temperature. ठीक है, ये phenomena, ये जो हम phenomena यहां बता रहे हैं बस हमें पता होना चाहिए. इसे हमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ना समझना नहीं होना चाहिए, नहीं होता है. वी शुड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फिनोमेना. ठीक है, ऑल्दो हमें इसे बहुत डिटेल में देखना समझना नहीं होता है, बट स्टिल वी शुड नो एंड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस
ऑफ दिस फिनोमिना, इस फिनोमिना का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम जरूर समझने की कोशिश करें. नाउ ये सुपर कंडक्टिविटी जो हमें मिलती है फॉर ऑल द मटेरियल्स, जो भी सुपर कंडक्टर्स हैं उनके लिए ये जो फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, इट इज ऑब्जर्व एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स. ये जो है बहुत लो टेम्परेचर्स पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, 40 केल्विन, 50 केल्विन, एट मैक्स 100-150 केल्विन, ठीक है, कुछ इसी रेंज में हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर है किसी मटेरियल का. नाउ दिस अ प्रिटी लो टेम्परेचर जो डे टू डे लाइफ में हमें कहीं नहीं मिल सकता, कहीं पर भी नहीं मिलेगा. सो सुपर कंडक्टिविटी अगर हमें ऑब्जर्व करनी है तो उसके लिए स्पेशली अलग लैब्स डिजाइन करनी पड़ती हैं, जिन्हें लो टेम्परेचर पर हमेशा मेंटेन किया जाए, ताकि जो सुपर कंडक्टर जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करने लगे. नाउ बेनिफिट क्या होगा अगर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, इफ रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बिकम जीरो. जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा. मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो हो जाने का मतलब है अब वहां करंट को कोई अपोज ही नहीं करेगा, देयर इज नो अपोजिशन टू करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कोई अपोज ही नहीं कर रहा है. फ्लो को अगर कोई अपोज नहीं कर रहा है तो वहां पर जो लॉस है एनर्जी में, द लॉस इन एनर्जी ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, वो लॉस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो लॉस जो है वो बहुत कम हो जाएगा. सेकेंडली, इवन बाय अप्लाइंग वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज बाय कंज्यूमिंग वेरी लो पावर, विल बी एबल टू अचीव हाई वैल्यूज ऑफ करंट. बहुत कम वोल्टेज लगाकर, बहुत कम पावर लगा के, पावर सप्लाई करके हमें एक हाई वैल्यू ऑफ करंट मिलने लगेगी, ठीक है, जो करंट की वैल्यू है वो हमें बहुत ज्यादा मिलने लगेगी. एंड दैट मींस द कंप्लीट फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पर भी जहां पर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल पर्पस, कहीं पर भी, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी विल बिकम सिग्निफिकेंटली चीप, सिग्निफिकेंटली चीप वहां पर वो हो जाएगी. तो ये सब हो पाएगा इफ, कंडीशन क्या है, ये सब तभी हो सकता है. सबसे बड़ा हर्डल जो है वो यही है कि रूम टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर के कंपेरेबल टेम्परेचर पर भी, ठीक है, हम अगर 0 डिग्री सेल्सियस, 10-20, -10, -20 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर देखें तो सुपर कंडक्टिविटी नहीं देखने को मिलती है. इफ वी आर समहाउ एबल टू इन्वेंट और मे बी डिस्कवर मटेरियल्स विच शो सुपर कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ रूम टेम्परेचर, तब फिर ये फिनोमिना वहां सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करने लगेगा हर उस जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, ठीक है. एंड दिस इज वाई सुपर कंडक्टिविटी इज द वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न डेज, ठीक है. आजकल की रिसर्च पे सुपर कंडक्टिविटी जो है, इट इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स ऑफ रिसर्च, ठीक है. थैंक्स. सो हमें बस सुपर कंडक्टर्स के बारे में एक सुपरफिशियल ही आइडिया होना चाहिए, हमें बस वो क्या होते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पता होना चाहिए. बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसे ना इस लेवल पर पढ़ सकते हैं, ना हमें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है. हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले देखे उनको यूज करते हुए, सो दैट हमें फॉर्मूले एक बार मेमोराइज होने लग जाए, फेमिलियर लगने लगे, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, अ कंडक्टर इज मेड ऑफ
A conductor is made of a certain material, is made of a certain material of resistivity, of resistivity 10 to the power 3 ohm meter. Of resistivity 10 to the power 3 ohm meter. It is 10 centimeter long. It is 10 centimeter long and has a cross section and has a circular cross section of radius 2 millimeter. And has a circular cross section of radius 2 millimeter. ये एक वायर है, हम ऐसा सोच लें, लेंथ 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर. फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एंड फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एंड magnitude of current if a potential of 10 volts is applied. Find its resistance and the magnitude of current if a potential of 10 volts is applied across it. ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन में जो जनरली मिस्टेक होती है, गलती होती है, वो अधिकतर ये करते हैं स्टूडेंट्स, हम ये करते हैं कि लेंथ डबल कर दी, प्रोपोर्शनलिटी लीनियर थी, रेजिस्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है. बट ये आंसर गलत होगा और इसीलिए हमें तो सोचना होगा वो इस तरह से कि इसकी लेंथ अगर L है तो जब हम इसकी लेंथ डबल करेंगे बाय स्ट्रेचिंग तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा. वील अज्यूम दैट वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, वील अज्यूम दैट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देयरफॉर A इंटू L शुड बी इक्वल टू A डैश L डैश. A dash will be equal to AL upon 2L, that will be equal to A by 2.
पहले जो रेजिस्टेंस था वो होगा रो एल अपॉन ए, नया जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो जाएगा रो इनटू 2L अपॉन 2, दैट इफ वी सी विल बी इक्वल टू 4R, वो जो है वो 4R के इक्वल होगा. देयरफॉर द परसेंटेज चेंज डेल्टा R अपॉन R विल बी इक्वल टू 4R माइनस R अपॉन R इनटू 100 व्हिच विल बी इक्वल टू 300%. ये जो चेंज है ये 300% हो जाएगा. ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज द रेजिस्टेंस विल डेफिनेटली इंक्रीज एंड द परसेंटेज चेंज विल बी 300%. द रेजिस्टेंस विल बिकम 4 times. अगर हम 3 times स्ट्रेच करते हैं तो 9 times हो जाती है, 4 times स्ट्रेच करते हैं तो 16 times हो जाती है, एंड सो ऑन. हम जल्दी से एक क्वेश्चन और ले ले सो दैट दिस एस्पेक्ट इज कवर्ड कंप्लीटली. क्वेश्चन लिखें फिर से. एन ऑब्जेक्ट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. एन ऑब्जेक्ट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर cross 40 centimeters. An object is in the shape of a cuboid of dimensions 10 centimeter cross 20 centimeter cross 40 centimeter. Find the ratio of minimum and maximum resistance. Find the ratio of minimum and maximum resistance that this object can offer. Find the ratio of minimum resistance and maximum resistance that this object can offer. सबसे पहली चीज अगेन यहां पर जो हम समझें, अगेन जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से बेसिकली समझना है आंसर, तो ठीक है हम निकालेंगे. हमें सबसे पहली चीज जो समझनी है, क्या एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है? भाई हम एक ऑब्जेक्ट का मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं. सो अ फैक्ट इज इनहेरेंट इन दिस क्वेश्चन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन ऑफर डिफरेंट रेजिस्टेंस. एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल ये हो सकता है. बिकॉज रेजिस्टेंस में जो हम रो एल अपॉन ए लिखते हैं, इसमें ये एल और ए कोई सा भी लेंथ या कोई सा भी क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं हो सकता. इसमें जो लेंथ होती है इट इज ऑलवेज द लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. जो लेंथ हम लेते हैं दैट इज ऑलवेज along direction of current, and the area is always perpendicular to current. तो अगर एक क्यूबॉइड है तो in that case it can definitely offer different values of resistance. हम कौन सी लेंथ के अलोंग करंट फ्लो करवाते हैं, हम कौन से एरिया के अलोंग करंट फ्लो करवाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है. इस तरह से ये हमारा क्यूबॉइड है, द क्यूबॉइड इन क्वेश्चन 40 सेंटीमीटर्स 20 सेंटीमीटर्स और ये वाला डायमेंशन 10 सेंटीमीटर्स. नाउ सिंस द प्रोपोर्शनैलिटी इज सच दैट व्हेन लेंथ इज मैक्सिमम रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, व्हेन एरिया इज मिनिमम द करंट इज मैक्सिमम,
अब देखो इस केस में जब हम लेंथ मैक्सिमम लेंगे, जब हम लेंथ मैक्सिमम लेंगे तब एरिया अपने आप ही मिनिमम हो जाएगा। लेंथ मैक्सिमम लेने का क्या मीनिंग है, हम जो करंट फ्लो करवाएंगे वो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में करंट इस तरह से फ्लो करवाएंगे। दिस विल बी द केस फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम करंट। जब लेंथ मैक्सिमम है तो एरिया अपने आप ही मिनिमम हो गया, जब हमने लेंथ मैक्सिमम करी तो एरिया अपने आप ही मिनिमम हो गया। दूसरा केस, मिनिमम रेजिस्टेंस कब होगी, जब लेंथ मिनिमम होगी। अब देखो लेंथ जैसे ही हम मिनिमम करेंगे, जैसे ही हम करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे तो एरिया अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा, एरिया अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, हम लिख लें आर मिनिमम मैक्स निकाल लें, हम रो एल अपॉन ए। ठीक है, जब लेंथ मैक्सिमम है रो एल अपॉन ए, जब लेंथ सॉरी लेंथ मिनिमम है और जब लेंथ मैक्सिमम है, रो डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगा, रो विल कैंसिल आउट। सिंस वी हैव टू फाइंड अ रेशियो, हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है किसी भी यूनिट का। लेंथ 10 अपॉन एरिया 20 × 40, लेंथ सॉरी एरिया 10 × 20 अपॉन लेंथ 40। ठीक है, 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा, हमें जो आंसर दिखेगा वो 1/16 आता हुआ दिखेगा। आंसर इज 1:16। वन इज टू सिक्सटीन हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम एक ही ऑब्जेक्ट से अलग अलग रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, जब लेंथ मैक्सिमम होगी तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, एरिया हमें अपने आप ही उस समय मिनिमम हो जाएगा। जब लेंथ मिनिमम होगी तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी फ्रेम्ड ऑन रेजिस्टेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उस पर ये भी एक और तरह का क्वेश्चन है जो फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं छोड़ता हूं, ट्राई टू डू इट, इसे एक चैलेंजर क्वेश्चन की तरह ही माने। इट विल रिक्वायर सम कैलकुलस अप्रोच एज वेल, एक चैलेंजर क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं हम। एक ऑब्जेक्ट इस तरह से फ्रस्टम शेप का है, इट इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। ठीक है, उसके रेडियाई जो है इस तरह से गिवन है बी और ए। द रेडियाई आर बी एंड ए।
this length is L, the resistivity is rho, हमें find करना है इसका resistance क्या होगा, ठीक है? क्वेश्चन को समझ ले, हेलो सिंपल सा ही केस है, कुछ ठीक है, अ वायर और वी कैन से एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम, अ सॉलिड फ्रस्टम, ठीक है, और वी कैन से इसे जो और एक और टर्म कहा जाता है ट्रंकेटेड कोन, एक कटा हुआ कोन, ट्रंकेटेड कोन, फ्रस्टम शेप का ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला रेडियस, इस एंड पर जो रेडियस है वो बी है, इस एंड पर जो रेडियस है वो ए है, जो इसकी लेंथ है वो एल लेंथ है, ठीक है, हमें बताना है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी रो गिवन है, ठीक है, ट्राई टू डू इट, हमें यहां कैलकुलस का एप्लीकेशन लगेगा, अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, सो आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम ओम्स लॉ के आगे से कंटिन्यू करेंगे, जो और दो लॉज हमें यहां पढ़ने होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो हम देखेंगे, किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ के दो लॉज जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और फिर सर्किट्स पर हम आएंगे, सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं और इन लॉज को सभी को अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है, तो आज के लेक्चर तक हमने ओम्स लॉ पूरी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके दोनों फॉर्म पढ़ लिए, समझ लिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस, ये सारी चीजें देख ली, ठीक है, यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम किरचॉफ लॉज के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।